दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ माओलाइन की आईडी के बारे में। अभी जो है वो पुणे की तरफ से माओलाइन की आईडी जो है वो बांटी जा रही है, सिर्फ पुणे के लिए ये आईडी वैलिड होगी। अगर आप पुणे से बाहर रहते हो तो आप कुछ दिन के लिए वेट कीजिए, हो सकता है आपके लिए भी आईडी जो है वो शुरू हो जाए। ये सिर्फ जो है वो पुणे डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ ये आईडी अभी बांटी जा रही है। तो इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये सभी के बारे में आपसे आज बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामदेव और आप देख रहे हो हिंदी यूट्यूब चैनल इकॉन। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक नोटिफिकेशन, एक जाहिरनामा यहाँ पे लगाया हुआ था जो कि आपने कहीं देखा होगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आप देखिए यहाँ पे pune.gov.in पे आपको यहाँ पे जाना हो, जिसमें जो है सभी यहाँ पे जो जितनी यहाँ पे इनकी जो महानगर पालिका होगी सभी की डिटेल्स यहाँ पे दी जाएंगी। और अभी जो है आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.aplesarkarpune.com इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वेबसाइट को जो ओपन कर लिया है। अगर आप यहाँ पे pune.gov.in इस वेबसाइट को आप ओपन करते हो तो सिंपली अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा, जल्दी यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाए। तो आपले सरकार pune.com इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली इस पर सबसे पहले देख लेता हूँ, यहाँ पे ये लैंग्वेज यहाँ पे मराठी लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि ये जो माओलाइन की जो आईडी है वो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही वैलिड होंगी, इसलिए सभी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकी जो ऑनलाइन जो यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन इनका जो है वो 1 तारीख से जो है वो 15 तारीख तक आप जो है कर सकते हो। उसके बाद जो इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप इसके पास करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए होंगे उस सभी डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा, जो कि 16 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ पे जो है वो इनका यहाँ पे टाइम दिया हुआ है उन्होंने। 24 तारीख तक जो है वो सभी डॉक्यूमेंट को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जो है वो 25 तारीख से 28 तारीख तक जो है वो जो है यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, जो कि सभी जो डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद जो इसके लिए वेरीफाई होंगे और जो इसके लिए नॉन वेरीफाई होंगे उन सभी की जो है वो सभी की यहाँ पे जो है डिटेल्स हमारे साथ शेयर की जाएंगी, उनकी लिस्ट भी हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो है 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में जो है वो सभी को जो है वो आईडी जो है वो आईडी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे सभी स्टैम्प पे आप यहाँ पे देख सकते हो, जिलाधिकारी पुणे। तो ये सीएससी वीएलई एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ पे होने जा रहा है। तो अगर आप सीएससी वीएलई एसोसिएशन के अभी तक आप मेंबर नहीं बने तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे आप इनकी क्या क्या इनके रूल्स है, उसके बाद मैं सभी को एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये सभी को मैंने यहाँ पे जो है ओपन कर लिया। यहाँ पे कुछ उनका रूल्स है जिसमें आप सभी कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। सीएससी 2.0 आप यहाँ पे 2.0 इसको कह सकते हो। तो इनके यहाँ पे अपने सरकार सेवा केंद्र जिसको कहा जाता है उसके इनके टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हो, pune.nic.in यहाँ पे जो इनकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस नए टैब को ओपन कर लिया है।
ये देखिए इस तरह से ये टैब यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे सभी डिटेल्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक्स मिलने वाले हैं, जिसके माध्यम से जो है आप, अगर ये वेबसाइट अगर मान जाकर चल के ये बंद भी हो जाए, तो आप जो है बाद में भी इस सभी की जो लिंक है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। ये सभी जो है रूल्स आप जो है आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हो आप किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिंपल आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ओटीपी इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, ओटीपी आपको जो है वो ईमेल पे भेजा जाएगा। उसके बाद सिंपली ओटीपी वैलिड कीजिए। उसके बाद सिंपली फिर से लॉगिन कीजिए। सिक्योरिटी से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें हम जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा सिर्फ ओटीपी का ही होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन जो कि आप पहले से चला रहे हो या आप नए यहाँ पे लेना चाहते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा यहाँ पे आपका नाम, आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करने का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ एरिया आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे केंद्र अक्षांक और केंद्र रेखांक यहाँ पे आप देख सकते हो। ये हमारे पास ये जो हमें ये हमने इससे पहले जो फिल किया था वो सीएससी रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे फिल किया था, जो कि हम उसको जानते हैं लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे सर्च कर सकते हो इस तरह से। तो आप किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे यूज कर सकते हो इन लैंग्वेज और इस लैंग्वेज को आप यहाँ पे फिल करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको आपको दिया जाएगा। सब डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा, कंप्यूटर्स कितने होंगे, क्या होंगे, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जिसमें आप पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एजुकेशन का कुछ यहाँ पे प्रूफ भी अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे जो बड़ा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो पुलिस स्टेशन चरित्र, इसको आप जो इंग्लिश में बोल सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। तो इसमें आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके पास जो है वो अवेलेबल होंगे। इसमें जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, मुझे लगता है वो सिर्फ यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपको मैं बता देता हूँ एक बार, इसमें से आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा। तो इसके लिए आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस स्टेशन होता है, एसपी ऑफिस, वहाँ पे जाके जो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से आपको जो है वो 2 से 3 दिन में जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट जो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। सिंपली आपको वहाँ ज़्यादा समय ना, 2 फोटो, उसके बाद आपको जो है वो कोई भी 3 प्रूफ लेके जाना होगा, जिसमें जो है आप अपने आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड्स, या आप जो है अपने टीसीस मार्क में हो, उसके बाद कॉलेज के कोई भी आईडी कार्ड, लाइट बिल्स, इस तरह से आप जो है वो उनसे भी आपको किसी भी 3 डॉक्यूमेंट को साथ में लेके जाना होगा। वहाँ पे कुछ उनकी फीस होती है, और फीस आपको पेड करने के बाद 2 से 3 दिन में जो है वो आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आप जो है ऑनलाइन भी ये सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। हो सकता है आपको ऑनलाइन में कुछ टाइम लग जाए, या आपको ऑनलाइन ढूंढने में कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए, क्योंकि तो अभी टाइम बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं बचा हुआ। तो सिंपल जो आप ऑफलाइन काम कीजिए, आपको 2 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिंपली सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना होगा। इस तरह से कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास एक होना चाहिए, जिस तरह से MSCIT, CCC या कोई भी यहाँ पे इसके जो बराबर का यहाँ पे एक सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, CCC या MSCIT, ये दोनों में से आप जो है दोनों में से एक को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद सभी कुछ चेक मार्क आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो कि टर्म एंड कंडीशन इनकी जो आप यहाँ पे पढ़ी होगी, ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इन सभी को आपको जो यहाँ पे टिक मार्क करके एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पे ₹300 की जो इनकी फीस होगी, जो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे 1.80% यहाँ पे एक्स्ट्रा ले जाएंगे, जो कि
उसके बाद डेबिट कार्ड, यहाँ पे किसी बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है 2000 से कम के लिए 0.90%, उसके बाद 2000 से अगर ज़्यादा अमाउंट है तो आपको यहाँ पे 15% लिए जाएंगे। नेट बैंक के लिए 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे UPI के लिए 80 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सबमिट करने के बाद सिंपल यहाँ पे सक्सेसफुल पेमेंट अगर आपका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर किसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी वजह से अनसक्सेसफुल होता है, सिंपली आप जो है लॉग इन करके फिर से जो पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इन्होंने टेक्निकल हेल्प के लिए यहाँ पे एक मेल एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, इन पे जो आप संपर्क कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट पे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सभी लाइव दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। इनकी सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन एक बार जो आप इन सभी को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सिंपल यहाँ पे मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करके सेंड OTP पे क्लिक करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे अपना सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया, सिंपली मैं यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करने वाला। तो देखिए मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आ चुका है इंटर OTP। देखिए मैं यहाँ पे OTP मुझे जो मोबाइल के माध्यम से मिल चुका है, जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया होगा उसी पे जो है आपको OTP मिल जाएगा। सिंपल मैं वही OTP यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपल यहाँ पे वेरीफाई OTP एंड साइन अप बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो ईमेल एड्रेस पे जो है वो भेजा जा चुका है। मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, अभी तक मिला नहीं है, मैं कुछ देर यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। लगभग आपको ये जो है 1-30 सेकंड में आपको जो है ये आपके पास जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको भेजा जाएगा। तो सिंपल मैं इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो ये देखिए इस तरह से मुझे एक SMS मिल चुका है मैसेज, यहाँ पे थैंक यू फॉर रजिस्टर विथ अस। सिंपली मैं अपने यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के जो है वो लॉग इन कर लेता हूँ। सिंपल लॉग इन पे क्लिक कीजिए, उसके अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कीजिए। तो ये देखिए उसके बाद जब आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे। अगर आपके पास पहले से CSC है तो आप सिंपली यहाँ पे यस यहाँ पे टिक मार करके सिंपल नेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप नया लेना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली इसी पे आप जो है यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके जो वो सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंट का, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जो प्रिंट का जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है सिंपल आप यहाँ पे जो ये सभी जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आप प्रिंट आउट जो ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो ये देखिए इसको जो आप प्रिंट आउट में निकाल सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे न्यू यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जिस तरह से हमने फॉर्म में देखा था उसी तरह से इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडल नेम, उसके बाद लास्ट टाइम यहाँ पे इंटर करना होगा, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे सेक्स, आपको यहाँ पे जो लिंक होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जैसे मेल, फीमेल या अदर्स, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे ऑटो फिल यहाँ पे हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फादर्स नेम यहाँ पे जो है मिडल नेम यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया हुआ। सिंपल मैं अपना यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आधार कार्ड जो मैंडेटरी नहीं किया हुआ, पर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इंटर करना हो, उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे इंटर करनी, जैसे 10th पास या 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो। तो मैं यहाँ पे 12th पास कर लेता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो MSCIT, CCC, GCCC, उसके बाद GCC, SSD, CTC या ऑदर। सिंपली आप यहाँ पे ऑदर भी कर सकते हो, या आप सिंपली मैं यहाँ पे MSCIT को यहाँ पे क्लिक करके
डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। सिंपली आप मुझे यहाँ पे सीसी भी यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप महाराष्ट्र के लिए आप रहते हो तो सिंपली जो आपको, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया हो तो आप जो है सीसी कोर्स कर सकते हो, या आप जो अपने घर वाले को, घर में आप किसी भाई को, बहन को, या आप किसी को भी अगर आप प्रेफर करते हो तो आप जो है उनको सिर्फ सीसीसी ही आप इसको प्रेफर करें, जिसको आप ट्रिपल सी बोल सकते हो, क्योंकि ये ट्रिपल सी जो है, ये कोर्स जो है वो ऑल इंडिया वैलिड है, जबकि MSCIT ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सिर्फ जो है वो इंडिया के लिए वैलिड होता है। ट्रिपल सी आप जो पूरे इंडिया आप यूज़ कर सकते हो, और MSCIT जो है वो आप सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा जो आप जो है ट्रिपल सी आप करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे ट्रिपल सी बहुत वैसे हार्ड होता है, पर आप इसमें अच्छा पढ़ाई करेंगे तो आप जो है वो डेफिनेटली अच्छी तरह से पास हो जाएंगे। इसमें ग्रेड दिए जाते हैं ट्रिपल सी में, जैसे कि ABCD और MSCIT में जो है वो परसेंटेज यहाँ पे दिए जाते, जैसे कि 50%, 60%, 70%, 75%, इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको किस जगह पे यहाँ पे सेंटर लेना है, महानगर पालिका, कैंडिडेट बोर्ड, नगर पालिका, पुणे ग्रामीण, तो आपका एरिया जिसमें जिसमें भी आता है आप सिंपली वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर करना होगा, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ग्रामीण कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको, अगर आप ग्रामीण से है तो आपको यहाँ पे अपना तालुका यहाँ पे चूज करना हो जिस तरह से। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गांव जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, जिसको आप लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको मार्क लगाना हो, जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मार्क लगा के, यहाँ पे भी आप सिंपल सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये गाँव में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं हो पा, सिंपली मैं यहाँ पे इसकी स्पेलिंग टाइप कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे जो आप सैंपल फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे पुणे के लिए यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पुणे यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी जो होगा यहाँ पे आपको मार्क करना, सिंपल आप जो है इसको यहाँ पर लेके जाना होगा इस तरह से। चलो ये भी अच्छा, इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको जिस भी जगह मार्क करना है सिंपली आपको जो है उस जगह पे सिर्फ सिंपली एक बार क्लिक करना होगा, इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ इस जगह पे, ये तो हो गई जगह, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे लेना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पे कॉपी कीजिए, यो यहाँ पे आकर के पेस्ट कीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपकी जो जगह जहाँ पे आप चलाते हो वो आपकी खुद की है या रेंट है, तो सिंपली आप यहाँ पे ओन कर सकते हो अगर आपकी खुद की है। अगर आप रेंट भी यूज़ करते हो तो आप सिंपली यहाँ पे रेंटल पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप जहाँ पे ये इस सेंटर लेना चाहते हो वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पे सिंपली अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हो, पर मैं आपको रेफर करूँगा। सिंपली आप जो है यहाँ पे येस पे क्लिक रहने दें। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो भी आप सर्विस प्रोवाइड यूज़ करते हो इंटरनेट का, जिस तरह से आप यहाँ पे अगर BSNL यहाँ पे लिख देते हो, सबसे अच्छी यहाँ पे सर्विस होगी, जो कि BSNL जो है हर जगह पे इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी डोंगल यूज़ करते हो, सिंपली आप जो है आइडिया, BSNL, वोडाफोन, इनका नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा आपके पास कितने कंप्यूटर, जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो कंप्यूटर्स है,
उसके बाद एक प्रिंटर है, उसके बाद एक स्कैनर है, उसके बाद मेरे पास दो बायोमेट्रिक जो है वो डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस वो होती है जिसमें जो है वो आप थंब लगा के जो है कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हो, जिसमें मंत्रा, मोर्फो, स्टार्टेक और बहुत सारी कंपनियां हैं। इसमें जो यूज़ होती है वो ज़्यादातर मंत्रा और मोर्फो यूज़ होती है। स्टार्टेक ये जो कंपनी है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वो सिंपली यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे एक और लिया जाएगा, जो कि आपका फैमिली से अगर आपके पास किसी के पास भी ये सर्विस इन्होंने ले रखी है, माय सेवा केंद्र या नागरिक सुविधा केंद्र, तो सिंपली आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली डिफॉल्ट ही आप यहाँ पे नो पे क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद अगर आपने या आपके परिवार में से किसी ने ले रखा है, सिंपली आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हो। तो यस पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं नो पे ही क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद सिंपली सेव एंड बट कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, ये सभी के डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जिसकी मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे होगी 2 MB। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड्स, पैन कार्ड्स, यहाँ पे आधार कार्ड मैंडेटरी है, जबकि हमने यहाँ पे फॉर्म 2 में हमने देखा था एंड आधार कार्ड जो नंबर है वो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं था। आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है, पैन कार्ड मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि आपके स्कूल का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, 10th pass, 12th pass या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पे सिग्नेचर्स और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे गुमास्ता यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे अटैच करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे जो है वो वोटर आईडी कार्ड जो है वो लगा सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे 7 बार यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो, या प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे आप जो है ब्राउज करके लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपने सर्टिफिकेट MSCIT या CCC जो भी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा, वही सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको सिंपली सभी को यहाँ पे टिक करना होगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके ये सभी डिक्लेरेशन जो है यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन में आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप सिंपली क्लिक कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे पॉपअप यहाँ पे ओपन आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे ओके करना होगा। मैं सिंपली यहाँ पे कैंसिल करके फिर से एक बार अपने सभी डॉक्यूमेंट को फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे सब कुछ अपने डेट्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह से 3rd, 4th। और सिंपली आप जो है ओके बटन पे क्लिक कीजिए, सिंपली यहाँ से पेमेंट कीजिए और सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे पे यू मनी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वैसे तो पे यू मनी यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ग्रीन कलर में, वैसे अभी जो आप पेमेंट कर रहे हैं ये पूरी तरह से सिक्योर होगा। यहाँ पे आप HTTPS भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यहाँ पे वॉलेट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपल आपके पास जो भी अवेलेबल आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली वॉलेट से, फ़ोनपे से यहाँ पे जो पेमेंट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद सिंपली पे नाउ पे क्लिक करूँगा। मुझे यहाँ पे लगभग 4 रुपये, मतलब लगभग यहाँ पे मुझे 5 रुपये यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं, जो कि 4 रुपये यहाँ पे इनके कन्वीनियंस फीस है। उसके बाद यहाँ पे 71 रुपीज़ ये इनका GST का चार्जेस है। सिंपली यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोनपे पे यहाँ पे मुझे रिटायर्ड कर देगा, या मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होगा अपने फ़ोनपे UPI ID से। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करूँगा, या अपने भीम UPI से भी यहाँ पे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिंपली फ़ोनपे के या मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP से लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे भीम यूपीआई से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं एक बार इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करके आपको दिखाऊंगा कि आपको ये जो अगर मान लीजिए आप किसी वजह से ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो आप इसमें क्या करेंगे। तो मैं एक बार इस ट्रांजेक्शन को एक बार फेल करके दिखाऊंगा। सिंपली आप यहाँ से जब बैक ले लेंगे तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो फेल हो जाएगा और आपको फिर से रिडायरेक्ट कर देगा उसी वेबसाइट पे। देखिए फिर से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसी वेबसाइट पे। सिंपली मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे एक बार यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से कुछ देर प्रोसेस होगा। जब ये प्रोसेस हो तो आपको सिंपली कोई भी रिफ्रेश बटन या बैक बटन यहाँ पे नहीं दबाना है। अगर आप यहाँ पे कुछ इंटरफेस करते हो तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि ये देखिए ये रीज़न यहाँ पे फेल हो चुका है। मैं फिर से एक बार इसको रिपेमेंट करने की कोशिश करूँगा। आप इस वेबसाइट पे वो पेयू मनी, ये जो पेयू पेमेंट्स, ये जो पेमेंट गेटवे है ये बहुत सिक्योर है, तो इसकी जो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पे पेमेंट करने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे फ़ोनपे से ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। फ़ोनपे की यूपीआई से मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा 173 यहाँ पे सेकंड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं मुझे। यहाँ पे सिंपली आपको अपने मोबाइल से यहाँ पे सिंपली पे करना होगा। तो मैं अपने मोबाइल से यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से पे कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर आप ज़्यादा टाइम लगाए तो ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो सकता है। देखिए मैंने अपना यहाँ पे पिन यहाँ पे एंटर कर लिया है। अभी ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल में मुझे पेंडिंग दिखा रहा है, ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ चुका धन्यवाद, पुढील माहिती आपल्या ईमेल अथवा फोनवर कळविण्यात येईल। इसका मतलब यह हो कि आपका ट्रांजेक्शन जो सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद जो भी इनका प्रोसेस होगा वो प्रोसेस ऑनलाइन के माध्यम से जो है वो आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लिंक मिल जाएगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, जिसके माध्यम से जो है वो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ आसानी हो जाएगी। आज की वीडियो इतना ही, चल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।